नमस्कार सर, मेरे पास HAL के शेयर है 15 जी और 5150 पे लिया हुआ है, तो क्या करने का? अभी वो नीचे ही जाता जा रहा है। जी और आपका नज़रिया क्या, आप कितने टाइम तक होल्ड करने देख रहे हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कुछ अच्छा प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा। HAL पर इनकी खरीदारी है 5160 के भाव से। वहाँ से देखे तो स्टॉक कुछ 10% गिरता हुआ नज़र आ रहा है चार्ट पर। यहाँ पे कुछ आई थिंक 4510 का एक लेवल है जहाँ से हमें कुछ दो बार रिवर्सल दिखा था पास ही में, तो यहाँ पर क्या वापस रिवर्सल थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ नज़र आ सकता है? देखिए, जस्ट HAL पे सहयोगी जो पैनलिस्ट है उन्होंने भी व्यू दिया था। एंड अभी अगर HAL देखे तो आपने जैसे हाईलाइट किया, 4500 का एक प्रीवियस बॉटम का सपोर्ट है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक 100 EMA, 89 EMA का सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल्स HAL के लिए काफ़ी क्रूशल है। 4500 के आसपास अगर यहाँ पे होल्ड करता तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, नहीं तो अगर 4500 अगर ब्रेक करता है तो फर्दर एक वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे स्टॉक जो है 4250 से 4300 लेवल्स तक नीचे जा सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, 4500 का एक की स्टॉप लॉस होगा। अगर वो ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में जो है वो एग्जिट कर सकते हैं नीचे में, क्योंकि फर्दर 4250 4300 लेवल्स आने वाले वीक्स में देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो HUL में ये आपको ये सलाह दी जा रही है हमारे। फतेह परियार और ये जो हैं वो कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने कुछ नज़रिया नहीं भेजा है लेकिन कोचीन शिपयार्ड पे इनका सवाल है। बताएं अजीत जी, कोचीन शिपयार्ड यहाँ से कैसा लग रहा है? डिफेंस शेयरों में हमने देखा कि एक बेहतरीन रैली थी, लेकिन बजट के बाद से जब सरकारी शेयरों में एक तरह का करेक्शन हमें लगातार नज़र आया, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली हमने डिफेंस शेयरों में भी देखने को मिली। तो क्या कोचीन शिपयार्ड यहाँ से इस भाव पे कोई एंट्री का मौका दे रहा है? देखिए प्रशांत, यहाँ पे जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि डिफेंस स्टॉक लार्जली प्रेशर में है, और अक्रॉस द बोर्ड, ये केवल कोचिंग शिपयार्ड के लिए नहीं है, ज्यादातर सारे ही स्टॉक्स आप देखेंगे तो इस तरीके के करेक्शन, जो कि करीब इस मंथ में करीब करीब 25% डाउन है कोचिंग शिपयार्ड। और आज जो बेसिकली एक क्रिटिकल सपोर्ट के नीचे ये स्लिप हो रहा है, ये आप 100 EMA जो कि एक क्रिटिकल सपोर्ट है उसके नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो अगर ये 1960 के नीचे एक डिसाइसिव ब्रेक दे देता है तो ये प्रेशर बढ़ेगा। तो अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जल्दी होगा कि ये करेक्शन ओवर हो गया है डिफेंस स्टॉक्स में। इनफैक्ट कुछ एक डिफेंस काउंटर्स हैं जैसे HAL, BHEL, जहां पे कि फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन के साइन है, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक कि कोई साइन ऑफ रिवर्सल ना बने। अगर आपके पास पोजिशन है तो 1960 के नीचे अगर ये क्लोज हो रहा हो तो डेफिनेटली आपको एक बार पोजिशन को हल्का करना चाहिए, बिकॉज जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो करीब 1650-1700 के जोन में आएगा।